यस फ्रेंड्स, आज पांचवा दिन है, द फिफ्थ डे। इसके पहले फोर्थ डे पे हमने आपको पढ़ाया था शैल बी विल बी। आज हम शुरू करेंगे आर्टिकल, आर्टिकल। आर्टिकल में ए और एन का प्रयोग आज हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है, अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं ए, ई, आई, ओ, यू के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, जो अदर्स लेटर्स होते हैं, बी, सी, डी, सोन, उनके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। बट थोड़ा सा है वही चीज़, थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि कभी कभी हम कन्फ्यूज़न में होते हैं कि जैसे H O R S E, H O U R, दोनों शब्द हमारे H से शुरू हैं, लेकिन एक के पहले हम अ लगाते हैं और दूसरे के पहले हम N। इसके पहले हम N का प्रयोग करेंगे और इसके पहले A का प्रयोग करेंगे। क्यों करते हैं? अब इसी को हम बताना चाह रहे हैं। एक्चुअली अब जब हम इसको ध्यान देंगे तो इसको ध्वनि से रिलेटेड करेंगे। ध्वनि, ध्वनि यानी साउंड। व्हेन, जब हमारा शब्द की ध्वनि या साउंड स्वर हो, तो अब हम एन का प्रयोग करेंगे, और जब व्यंजन का बात हो तब हम वहां पे अ का प्रयोग करेंगे। इसको दूसरी भाषा में यहां समझ सकते हैं, जैसे यहां पे हम बोलते हैं हॉर्स, तो ये हा हमारा क्या है? ये व्यंजन है। ये हम क्या बोलते हैं? अवो। ये हमारा क्या है? स्वर। जैसा फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था, स्वर की ध्वनि आ से लेके आहा तक, और व्यंजन ध्वनि का से लेके ज्ञा तक। अगर का से लेके ज्ञा तक आएगा तो हम आ का प्रयोग करेंगे, और आ से लेके अह तक आएगा तो हम एन का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं, जैसे हम कुछ सेंटेंसेस आपको बोलते हैं, जैसे बोला जाए मैं एक कलाकार हूं, मैं एक कलाकार हूं, मैं एक कलाकार हूं, मैं एक कलाकार हूं। मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई, हूं की इंग्लिश एम, एम कलाकार की इंग्लिश होती है आर्टिस्ट, आर्टिस्ट। अब आर्टिस्ट में ये क्या है? आ, आ यानी स्वर ध्वनि होगी, इसके पहले हम क्या लगाएंगे? एन। तो हो क्या जाएगा? आई एम एन आर्टिस्ट। दूसरा है, जैसे हम बोलते हैं, जैसे मित्रों दूसरा एग्जाम्पल है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल में हम देखते हैं, वह एक चोर है, वह एक चोर है, तो वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही है की इंग्लिश इज, एक की इंग्लिश अ, और चोर की इंग्लिश थीव। तो यहां पे देखिए था शब्द आ गया, तो था चूंकि हमारा व्यंजन ध्वनि है, इसके लिए इसके पहले अ हो गया। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके पहले ना तो हम ए का प्रयोग करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं जिनके पहले हम ना तो ए का प्रयोग करते हैं ना तो एन का प्रयोग करते हैं। वो सब क्या चीज़ें हैं? जैसे आपका मटेरियल नाउन्स, मटेरियल नाउन हो गया घी, नमक, पानी, शक्कर, चीनी, चूँकि अनकाउंटेबल है तो इनके पहले ए अथवा एन का प्रयोग हम नहीं करेंगे। सेकंड थिंग, जितने भी हमारे नाम होते हैं, नाम के भी पहले हम ए अथवा एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे बोला जाए यह तेल है,
तो यह की इंग्लिश क्या हो गया, दिस, है की इंग्लिश इज, तेल की इंग्लिश ऑयल। तो यहाँ पे ऑयल में आ जरूर आ रहा है, लेकिन हम इसके पहले ए अथवा एन का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, इसे हम गिन नहीं सकते। ए और एन का प्रयोग वहीं पे होता है जहाँ पे हम उसको गिन सकते हैं। नेक्स्ट जैसे वह पानी है, वह पानी है, वह की इंग्लिश क्या होगी, दैट है इज, पानी इंग्लिश वाटर, क्या हो गया, दैट इज वाटर। बोले जाए तुम मोहन हो, तुम मोहन हो, तुम मोहन हो, तो तुम की इंग्लिश क्या हो गया, यू हो, आर मोहन, एम ओ एच ए एन। तो ध्यान दीजिए कि जितने भी नाम हैं, मटेरियल नाउन हैं, इनके भी, इनके पहले हम कभी भी ए अथवा एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अब कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे अब कुछ जगह पे ऐसा होता है नाउन और एडजेक्टिव दोनों का प्रयोग होता है। जैसे एक सेंटेंस बोलता है, मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़का हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एम अ बॉय, तो यहाँ पे नाउन हो गया। लेकिन अगर बोल दीजिए मैं एक अच्छा लड़का हूँ, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, अब यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव भी आ गया और नाउन भी। एडजेक्टिव, अब आप अगर एडजेक्टिव अकेले आएगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एडजेक्टिव अकेले आएगा तो उसके पहले ना तो ए का प्रयोग करेंगे ना तो एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर एडजेक्टिव के बाद आपका नाउन है तो निश्चित रूप से ए अथवा एन का प्रयोग होगा। जैसे सिंगुलर में, नॉट प्लूरल, आई एम, अब अच्छा की इंग्लिश क्या होता है, गुड बॉय। अब गुड, चूंकि ग शब्द आ रहा है, ग अक्षर आ रहा है, ग हमारा क्या है, कंसोनेंट है, तो इसके पहले क्या लग जाएगा, आ, तो हो जाएगा आई एम अ गुड बॉय। अब जैसे बोला जाता है मैं दयालु हूं या वह दयालु है, वह दयालु है, वह दयालु है, तो वह की इंग्लिश क्या होगी, ही है की इंग्लिश इच, दयालु की इंग्लिश काइंड। लेकिन अगर बोल दिया कि वह एक दयालु आदमी है, अब ध्यान देने की बात है कि यहां पे काइंड के पहले आ का प्रयोग नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसके बाद कोई भी नाउन नहीं है, लेकिन इसमें होगा क्योंकि दयालु के बाद यहां पे, तो जैसे जैसे ही इज अ काइंड मैन, ही इज अ काइंड मैन। इस तरीके से दूसरा देखते हैं सेंटेंस, जैसे बोला जाए वह ईमानदार है, वह ईमानदार है, तो बोलेंगे ही इज ऑनेस्ट। लेकिन बोला जाए कि वह एक ईमानदार छात्र है, तो वह की इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही इज, अब यहां पे देखिए ऑनेस्ट के पहले एन का प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि इसके बाद कोई भी नाउन नहीं था, लेकिन यहां पे है इसलिए होगा, चूंकि ईमानदार की इंग्लिश होती है ऑनेस्ट, छात्र की इंग्लिश हो गई स्टूडेंट। अब ध्यान देने की बात है, इससे एच है, अगर हम पीछे जाते हैं तो बोला गया ए ई आई ओ यू के पहले हम एन का प्रयोग करेंगे, अदर कॉन्सोनेंट के साथ हम अ का प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे अदर कॉन्सोनेंट एच है, लेकिन इसकी साउंड क्या निकल रही, अ,
यानी ऑनेस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट। तो ये जो अस अक्षर है ये हमारा क्या है, वावेल है, स्वर है। इसकी ध्वनि क्या निकल रही, इसकी ध्वनि निकल रही है हमारा स्वर का, इसके लिए इसके पहले क्या हो जाएगा, एन ऑनेस्ट। ठीक है, कभी कभी सेंटेंसेस में कुछ हिंदी के सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम आदर भाव व्यक्त करते हैं, उसके लिए क्या है, जैसे बोला जाए वे एक हाकिम हैं, हाकिम यानी अफसर, बोला जाए वे एक अफसर हैं या हाकिम हैं, वे एक हाकिम हैं। तो ध्यान देने की बात है कि वे के लिए हमने आपको बताया था कि दे का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे जब वे के साथ में एक रहे तो यहाँ पे ही का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हिंदी में तो हम बोलते हैं जैसे कोई हमारे अधिकारी महोदय आ रहे हैं तो हम बोलते हैं वे आ रहे हैं, वहाँ नहीं, ये नहीं बोलते कि वह आ रहा है। तो एक आदर सूचक शब्द हैं, और जब ऐसे आदर सूचक वाक्यों का प्रयोग हम करते हैं तो उस स्थिति में भाव के अनुसार और लिखे हुए शब्दों के अनुसार ये हमें समझना पड़ता है कि यहाँ पे दे होगा या ही होगा। तो जैसे वे हाकिम हैं, तो अगर ऐसा होता कि वे लोग हाकिम हैं तब वहाँ पे दे का प्रयोग होता, बोले कि वे एक हाकिम हैं, जाहिर सी बात है कि अकेले की बात हो रही है यानी सिंगुलर, तो हो जाएगा ही इज एन ऑफिसर, ही इज एन ऑफिसर, ही इज एन ऑफिसर। आगे इसके पहले मैंने आपको बता ही दिया कि जो भी मटेरियल नाउन होगा उसके पहले हम ए अथवा एन का प्रयोग नहीं करेंगे। इस तरीके से जैसे कुछ और शब्द लीजिए, जैसे यूनिवर्सिटी होता है, यू एन आई वी ई आर एस आई टी वाई, यहाँ पे देखते हैं हम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी या से शुरू होता है, वैसे हम देखें ए ई आई ओ यू के पहले तो एन होता है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका या यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है, तो इसके पहले क्या लगता है, आ, यूनिवर्सिटी। इस तरीके से दूसरे हम देख लेते हैं, जैसे कुछ और हमारे शब्द हैं, कुछ चीज़ें होती है कहाँ पे वावल साउंड होगा कहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड होगा, जैसे कि हम देखते हैं आवर, एच ओ यू आर, आवर, तो जैसे बात है इसमें वावल साउंड हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एन। इस तरीके से जैसे बोला जाए ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, तो इसके भी पहले क्या लगेगा हमारा, एन। अब अगर हमने बोला जैसे यंग मैन, यंग मैन, तो इसके भी पहले क्या लग जाएगा हमारा, अ। और जैसे कुछ कॉन्ट्रैक्टेड शब्द होते हैं जैसे एम ए, एम ए, एम, इसको एम बोलते हैं, तो एम में ये हमारा लेटर, ये हमारा साउंड, जैसी बात है यहाँ पे वोवेल का आ रहा है तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, एन, यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन। इस तरीके से जैसे हमने बोल दिया बी ए, तो बी ए बा रहा है, बा साउंड हो रहा है तो हम इसके लिए क्या लगा देंगे, आ, बी ए। एस एस पी, एस एस पी, तो जब एस आता है तो हम इसके पहले क्या लगाएंगे, एन। आई एस, आई ए एस, आई एस, इसके पहले क्या लगाएंगे, एन। इस तरीके से जैसे हम और शब्द एम एल सी, एम एल सी, तो हम इसके पहले क्या लगा देंगे, एन, चूंकि यहाँ पे एम आता है। तो इस तरीके से हमने ए और एन का प्रयोग देखा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे हम ए अथवा एन का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर मान लीजिए आपको दे दिया गया, पूछ लिया गया आंट्स, आंट्स के पहले क्या लगेगा, तो चूंकि ये प्लूरल नंबर हो गया ना तो ए लगेगा ना तो एन, ये दोनों नहीं लगेगा। इस तरह कैसे बोल दिया आयल, आयल के पहले क्या होगा आपका,
ए होगा या एन होगा, तो ना तो ए होगा ना तो एन, कोई नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। तो चाहे अगर प्लूरल नंबर होती है तब भी ए और एन का प्रयोग नहीं होगा, या अनकाउंटेबल है तो उसके भी पहले हम ए अथवा एन का प्रयोग नहीं करेंगे। कुछ इसका ट्रांसलेशन हम आपको दे दे रहे हैं, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है, आप एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, आप एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड, यह अद्वितीय दृश्य है, यह अद्वितीय दृश्य है। थर्ड है, गाय एक लाभदायक जानवर है, गाय एक लाभदायक जानवर है। नंबर फोर्थ, तुम एक अच्छे कलाकार हो, नंबर फिफ्थ हो जाएगा, तुम एक या वह एक उर्दू का कवि है, तो इस तरीके से आप इसके ट्रांसलेट कर लेंगे। कल हम इसको चेक करेंगे यहाँ पे, आप इसको बना लेंगे। कुछ वर्ड्स दे दे रहे हैं, आप उसको कंप्लीट करेंगे। कल मायसेल्फ का आपको टॉपिक दिया गया था, आज हम दे रहे हैं आपको टॉपिक माय फादर, माय फादर। माय फादर पे आपको बनाना है, कैसे बनाएंगे? जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी आप जो समय पे आप रहेंगे उसको लिखेंगे। उसके बाद में आप ऐसे लिखेंगे, I want to tell you something about my father. अब यहां से शुरू करेंगे, my father's name is, मिस्टर डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे जो भी नाम है, मान लीजिए मोहनलाल है तो आप लिख सकते हैं माय फादर्स नेम इज मिस्टर मोहनलाल। अब फिर यही से हिज वाइफ्स नेम इज मिसेस, उनकी पत्नी का नाम, जो भी आप लिख देंगे। फिर आप लिखेंगे हिज फादर्स नेम इज मिस्टर, उनके पिता का जो भी नाम है, यानी आपके ग्रैंडफादर का। हिज मदर्स नेम इज मिसेस, जो भी उनका नाम है उनको लिख लेंगे। फिर आप लिखेंगे देन ही हैज, उनके पास कितने भाई हैं, ही हैज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ही हैज़
कितने सन हैं, मतलब आप लोग कितने भाई हैं, सन या सन्स, एंड कितने डॉटर्स हैं उसको लिख देंगे। अब पापा के बारे में और कुछ बताएंगे, जैसे ही इज काइंड, लेबोरियस, जेंटल एंड हम्बल। पापा की और क्वालिटीज बताएंगे, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, पापा हमारे जल्दी उठते हैं, गेटअप मीन्स उठना या जगना, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही वर्क्स हार्ड, कठिन परिश्रम करते हैं, ही हैज हिज पर्सनैलिटी इज वेरी गुड, हिज पर्सनैलिटी इज वेरी गुड। आगे लिखेंगे पापा के बारे में और भी, जैसे वो क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते हैं, जैसे ही लाइक्स टू प्ले, क्या खेलना पसंद करते हैं, ही लाइक्स टू, अगर गाना गाना पसंद करते हैं तो ही लिख सकते हैं आप, ही लाइक्स टू सिंग अ सॉन्ग, उनको डांस करना पसंद है तो लिख सकते हैं, ही लाइक्स टू डांस, आगे और पिताजी के बारे में लिखेंगे, ही इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन, ही इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन, आगे लिखेंगे ही नेवर क्वेरल्स, वो झगड़ा नहीं करते हैं, ही नेवर क्वेरल्स एनीमोर, आगे लिखेंगे ही लव्स ऑल चिल्ड्रेन, ही इज, अब वो क्या हैं आपके पिताजी, क्या हैं, ऑफिसर हैं, फार्मर हैं, शॉपकीपर हैं, टीचर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो आप लिख देंगे। ध्यान देने की बात है, अगर ऑफिसर हैं तो ही इज एन ऑफिसर, इंजीनियर हैं तो ही इज एन इंजीनियर, अलावा किसान हैं तो बोलेंगे ही इज अ फार्मर, ही ऑलवेज मोटिवेट्स अस, ही लव्स ऑल फैमिली मेंबर्स, सो आई लाइक माई फादर, दैट इतना करके हम फिनिश कर देंगे। तो इस तरीके से मित्रों हमने यूज ऑफ इज एम आर, वाज वर, शैल बी, विल बी के बाद आज हमने आपको आर्टिकल का यूज बताया, और उसके बाद में हमने आपको 5 ट्रांसलेशन होमवर्क में दिया, देन मैंने आपको टॉपिक दिया है माई फादर, माई फादर को कंप्लीट कर लेंगे, और बिकॉज यू हैव ज्वाइंड मी टू लर्न इंग्लिश, तो एक सरल भाषा में, एक अच्छी भाषा में आप कोशिश करें, दिन प्रतिदिन आपके पास वर्ड्स पावर बढ़ते जा रहे हैं। अब आप जैसे मैंने पहले लेक्चर पे आपको बताया था उस दिन के लेक्चर पे कि माई सेल्फ को
तो कुछ नहीं करना है, बस जस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस एट योर हाउस। अब आपको ये डर लगता है कि मैं कैसे किसके सामने इंग्लिश में बात करूँ, मुझे प्रॉब्लम्स हो रही है, मैं अपना इंट्रोडक्शन कैसे दूँ, तो जस्ट टेक अ मिरर, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, या छोटा अगर शीशा है या बड़ा शीशा है, बड़ा शीशा है तो खड़े हो जाओ, छोटा शीशा सामने लेकर के बोलना शुरू करिए, तेज तेज लाउडली वॉइस, जितनी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलिएगा उतना ही आपके फोनेटिक्स, उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। उसी तरीके से माई फादर पे आप लिख लेंगे एक दो बार लिख करके, उसके बाद प्रैक्टिस करिए बोलने की, और धीरे 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 आपको आप बहुत बड़े बड़े से टॉपिक्स बनाने लगेंगे, और जब ही आपके पास टॉपिक्स बड़े बड़े बनने लगेंगे तभी आपके पास वर्ड्स पावर और अलग से बोलने की शैली आ जाएगी। थैंक यू सो मच।